सो हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोगों का जो है वो आज ESIC का पेपर है। देखिए, जैसे ही आप लोगों का पेपर खत्म हो जाए ना, तो आप लोग हाल जो है वो पढ़ने बैठ जाइएगा, क्योंकि आपका 27 तारीख को जो है वो RBI असिस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 साल बाद वैकेंसी निकलती है। अब 7 दिन बचे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो अगले 7 दिन जो है वो आपका क्या प्लान रहना चाहिए, क्या शेड्यूल रहना चाहिए, किस सेक्शन को जो है वो ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, मैं उससे पहले बता दूं कि आज 19 और 20 तारीख को जो है वो ऑलिव बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री RBI असिस्टेंट का पेपर दिया जा रहा है। तो अगर आज आपका ESIC का पेपर भी है ना, तो कल जो है वो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, 1 घंटा निकाल के, ठीक है ना। और बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट है, तो आप लोगों को जो है वो अपनी ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग पता चल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फ्री टेस्ट है, जरूर देना है, ठीक है। आज और कल के लिए है बस। तो मैं बता देता हूँ कि अगले 7 दिन आप लोगों को क्या करना है। ऑब्वियसली 2 टेस्ट जो है वो रोज लगाना है, ठीक है। 1 घंटा टेस्ट को लगाएंगे, उसको 1.5 घंटा जो है वो हम लोग एनालाइज करेंगे आपका जो भी सेक्शन कमजोर है। जैसे हमारा जो है वो पजल्स कमजोर है, या कोई सी भी पजल सेटिंग अरेंजमेंट, या फिर हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसकी जो है वो जल्दी से जल्दी ट्रिक जो है वो आप इंटरनेट पे देखेंगे, किसी भी साइट पे देख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, जैसे अंकुश लामा हो गया, या फिर आपकी जो है वो इंग्लिश पे कुछ सेक्शन जो है वो जरूर आते हैं, जैसे आपका वर्ड स्वैपिंग हो गया, या फिर क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर आपकी जो है वो एरर डिटेक्शन हो गए। तो कुछ भी आपका गलत हो रहा है ना अगले 7 दिन में, तो उसको जो है बस आप लोगों को रिवाइज करना है यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। तो निमिषा बंसल जो है वो बढ़िया है इंग्लिश की, तो उनके जो है वो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी देख सकते हैं, या फिर आप जो है वो उनके डिफरेंट सेक्शन दे रखे हैं उन्हें इंग्लिश में, जैसे आपका वर्ड स्वैपिंग को कैसे सॉल्व करना है, पैराग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो उन सब की ट्रिक्स जो है वो आपने निमिषा बंसल के जो है वो यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। और तीसरी बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखिए, मैथ्स में जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कैलकुलेशंस की। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि कैलकुलेशन के बिना जो है ये पेपर नहीं निकलेगा। तो ऑब्वियसली आपको टारगेट जो है वो इस पेपर में करना है 80+, ठीक है ना, क्योंकि 80+ से नीचे आए तो काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो किसी भी रीजन से हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई किसी भी रीजन से हो, 80 से नंबर कम जो है वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए आपके। कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन 1 घंटा निकाल के जो है वो फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और जितना हो सके ना, 2 मिनिमम टेस्ट जो है वो जरूर लगाइएगा। और मैथ्स में जो है वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, और जितना हो सके उतनी जो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके आने ही आने हैं। रीजनिंग में जितना हो सकता है सिलॉक्स की प्रैक्टिस करिए, और आपका जो है वो इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। और पजल्स जो है वो सिंपल वाले लगाइए, ज्यादा बड़े लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपका इंग्लिश में जो है वो वर्ड स्वैपिंग हो गया, या फिर आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, या फिर आपका जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, तो इनकी जो है वो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और जो भी सेक्शन कमजोर हो, मैंने आपके यूट्यूब चैनलों के जो है वो नाम बता दिए हैं, उन यूट्यूब चैनलों को फॉलो करके जो है वो आप इजिली इन सेक्शंस को जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो बस इतना ही। और